तो चलो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे, इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि अगर एक ब्लॉक है और वो दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, ब्लॉक मास एम है और दिस इज प्लेस ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ कैपिटल एम। ये जो ब्लॉक है वो कैपिटल एम का है, इसके ऊपर एक छोटू ब्लॉक स्मॉल एम यहाँ पर रख दिया हूँ, ये स्मॉल एम और यहाँ से कैपिटल एम, ये वाली चीज़। तो यहाँ से और यह द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन टू ब्लॉक μ1 है और यहाँ पे जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे μ2 है, ठीक है ना। मैक्सिमम हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई ऑन लोअर ब्लॉक्स, टू ब्लॉक मूव विदाउट सेपरेशन। मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे कितना मैक्सिमम हॉरिजेंटल फोर्स लगाऊँ, ठीक है ना, यहाँ देखो इसकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं कितना मैक्सिमम फोर्स लगाऊं जिससे दोनों साथ साथ चलें यार, देखो। तो जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो उनका एक्सलेशन तो कॉमन होगा, तो सबसे पहले इन दोनों को एक सिंगल मास ट्रीट करते हैं। इन दोनों को एक सिंगल मास अगर मैं ट्रीट करूं तो उस पे बाहर से एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को मैं एक सिंगल मास अज्यूम करके यहाँ से सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखूँ, तो ये मास कैपिटल एम है और प्लस स्मॉल एम है और यहाँ से इन पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक ना। सिंस दोनों चल रहे हैं तो फ्रिक्शन यहाँ से काइनेटिक आएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा, यहाँ से काइनेटिक स्लाइड कर रहा ब्लॉक। तो यहाँ से जो इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो यही हमारा क्रिएट हो जाएगा कि भाई फ्रिक्शन जो है ये लोअर वाला तो चलेगा ही चलेगा, लोअर वाले को तो चलना, अपर वाले को उसके ऊपर ही रेस्ट रहना है। तो इसका क्या इक्वेशन बना, एफ माइनस एफ काइनेटिक इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम एम प्लस स्मॉल एम। इसका मतलब एफ माइनस यहाँ से म्यू एन दैट इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो यहाँ से नॉर्मल गया ऊपर और यहाँ से एम जी गई नीचे, ठीक है। तो समझ रहे हो, यहाँ से इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल की जो वैल्यू है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और जी के इक्वल आ जाएगा। तो एफ माइनस म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम नॉर्मल म्यू जी दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये एक्सलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ से जो है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम यहाँ से ए प्लस यहाँ से म्यू जी और यहाँ से आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इससे ज़्यादा इस इक्वेशन का मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, अब कंडीशन लगाते हैं कि दूसरा वाला जो छोटू वाला ब्लॉक है एम, उस पे रेस्ट में कैसे रह सकता है यार। देखो, जब रेस्ट में ये जब दोनों आगे जा रहा है कॉमन एक्सलेशन ए से, तो इस पे छोटे वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। समझ में आया ये बात, ठीक है ना। ये यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सके लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है। क्योंकि देखो, जब तुम फोर्स आगे वाले पे लगा रहे हो, नीचे वाले पे लगा रहे हो, तो ऊपर वाला ब्लॉक आगे क्यों जाएगा यार। ग्राउंड से देखोगे तो ऑब्जर्वर बोलेगा कि इसमें फिर से आगे लग रहा है, और वैसे भी अगर तुम नीचे वाले फोर्स लगाओगे तो इस वाले पे जो ऊपर वाले ब्लॉक है उस पे सूडो एम में इधर लगेगा, तो इसलिए फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो अगर सूडो ये ब्लॉक पीछे जाने की कोशिश करेगा, अगर सूडो की वैल्यू ब्लॉक स्मॉल एम रिमेंस रेस्ट, स्मॉल एम रिमेंस रेस्ट, स्मॉल एम उसके ऊपर रेस्ट में तभी रहेगा बच्चों जब यहाँ पे सूडो की जो वैल्यू है मस्ट बी लेस देन या एटलीस्ट इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन है रेस्ट की, मैं इक्वलिटी लेके सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से तुम देखोगे एम ए और यहाँ पर फ्रिक्शन तुम देखोगे, यहाँ फ्रिक्शन म्यू टू था ना यार, यहाँ फ्रिक्शन म्यू टू था, तो ये म्यू टू आएगा, तो ये म्यू टू, तो यहाँ से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू वन और स्मॉल एम जी। तो यहाँ से तुम देखोगे ए की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू ए जी, इससे कम या इसके बराबर रहेगा तब जाके वो रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू डाल दोगे ए की वैल्यू, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम यहाँ से म्यू वन जी और यहाँ से म्यू टू जी और यहाँ से कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब इन दोनों को कॉमन ले लोगे तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम
और यहाँ से जी कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में म्यू वन प्लस म्यू टू बचा, ये मैक्सिमम। इससे ज़्यादा लगाओगे तो ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, इससे कम लगाओगे तो ऊपर वाला रेस्ट में रहेगा, इसके बराबर लगाओगे तभी भी रेस्ट में रहेगा। मतलब यहाँ से देखो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर देता है, दैट इज डी ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।